अच्छा, हमारे एक सवाल था जो मेरे दर्शक मुझसे बहुत बार पूछते हैं। एक्चुअली हमारे दर्शक पे यादव समाज के बहुत सारे लोग हैं, तो वो ऐसा पूछते हैं कि यादवों का वर्ण क्या है। तो आपने वेद पुराण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, तो उसमें यादवों का वर्ण क्या है? जय श्री कृष्ण आप सभी भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की मुलाकात एक बेहद ही खास शख्सियत से कराने वाला हूँ, जिनके सामाजिक कार्यों की चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने भी की है। आज हमारे साथ काशी के कैलाश मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री आशुतोषानंद महाराज जी मौजूद हैं। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। स्वामी जी, बातचीत को हम शुरू करें, इस चर्चा को शुरू करें, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षेप में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोषानंद है, कैलाश मठ काशी वाराणसी ये अपना स्थान है, और अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ अपना एक संगठन है जिसके अनुसार हम लोग समाज की सेवा करते हैं, अभिनव राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और विशेष परिचय और भी जो कुछ पूछेंगे तो जी। धन्यवाद गुरु जी। तो गुरु जी, ये तो आपका संक्षेप में एक परिचय हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपसे, मेरे मन में प्रश्न था, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में हर इंसान जब बचपन में पढ़ाई लिखाई करता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस दिशा की तरफ, आपके मन में कब विचार आया कि मैं इस दिशा में जाऊँ, इस क्षेत्र में जाऊँ? बहुत सुंदर। मैं जब पढ़ता था सिलेबस में, तो एक संस्कृत किताब आप भी पढ़ते होंगे जी, उसमें संस्कृत बुक में चित्र होता है, उसमें एक जो है आचार्य ऊपर बैठे होते हैं और बाकी 5, 7 या 10 जो चोटी वाले नीचे ज़मीन में बैठे होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं। हमको वो चित्र बहुत अट्रैक्ट किया, मैं वही विद्या पढ़ना चाहता था। तो मैं वहाँ 7वीं कक्षा लगभग सातवीं कक्षा में ही पढ़ रहा था, और मुझे वैराग्य सा हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी, तो मैं निकल पड़ा घर से, घूमता रहा, कई जगह गया, और घूमते घूमते जब मैं देहरादून और हरिद्वार गया, तो हरिद्वार में एक झाड़ी में जा रहा था मैं, और उस झाड़ी में देखा एक स्वामी जी थे और ऊपर वो बैठ कर पढ़ा रहे थे, 40-45 विद्यार्थी नीचे बैठ कर संस्कृत पढ़ रहे थे। तो मेरे पैर एकदम अचानक वहाँ रुक गए, मैंने कहा मुझे तो यही पढ़ना है। और फिर वहाँ से स्वामी जी से मैं मिला, क्लास के बाद स्वामी जी ने मेरी परीक्षा ली, वहाँ से पूज्य स्वामी भारतानंद जी नाम है उनका, अभी भी शरीर में है, अद्भुत पुरुष है, विरक्त पुरुष है, और वहाँ से हमने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। वहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह, सांख्य तत्व कौमुदी, वेदांत सार और आत्मबोध तत्वबोध आदि प्रारंभिक ग्रंथों को वहाँ पढ़ा। फिर वो पूरा गुरुकुल शिफ्ट हो गया वहाँ महाराष्ट्र में, तो मैं महाराष्ट्र चला गया। फिर वहाँ से हायर एजुकेशन के लिए मैं काशी आया। ऐसा नहीं है कि जो है बचपन में ही साधु बन गया, लेकिन मैं पढ़ने की खोज में इधर आया था। फिर पढ़ते पढ़ते हमने यहाँ पर न्याय, सबसे कठिन विषय है न्याय दर्शन जी, मैं न्याय दर्शन से आचार्य किया जी, और नेट JRF निकाल लिया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो मेरी नौकरी लग गई, कलकत्ता में लग गई, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में जो है न्याय विभाग में लेक्चरर बना, तो एक सत्र वहाँ पढ़ाया। फिर PhD करने के लिए काशी आ गया, और मेरा मन थोड़ा वहाँ नहीं लग रहा था। फिर यहाँ आया तो यहाँ गुरुजी का जो है फ़ोन आया, तो मैं सोचा हमारी पूरी तैयारी इधर की है, अध्यात्म की है, और जो है संगीत भी तैयार है, शास्त्र भी तैयार है, उसका पूरा उपयोग तो वहाँ नहीं हो सकता था। फिर मैं यहाँ पर यहाँ गुरुकुल चलता है वर्तमान में, कैलाश आश्रम में गुरुकुल भी चल रहा है, और मैं स्वयं भागवत कथा भी करता हूँ, श्री राम कथा भी करता हूँ, तो उधर की जो है वो योग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है सबका इस प्रकार। तो मतलब आपने PhD की पढ़ाई की है, प्रोफेसर की जॉब भी की आपने, मतलब वो सब कुछ छोड़ के आप फिर इस दिशा में आ गए? जी जी, वो सब करने के बाद मेरे मन में ये था, कहीं बाद में ये न रहे कि मैं कहीं असफल रहा, कहीं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो जीवन भी कंप्लीट करना ज़रूरी था। उसके बाद हम आए तो पूर्ण संतुष्टि के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए, तो प्रसन्नता है। और यहाँ
जो है सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी स्नात हो रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस कार्य में अब आपको संतुष्टि मिलती है? जी, बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई बच्चे पढ़ करके समाज में बोलते हैं। जैसे मैं मेडल जीतता था, राष्ट्रीय लेवल का शास्त्रार्थ में जीता हूँ, तो बच्चे जब जीत के आते हैं तो मुझे गर्व से लगता है कि मैं ही जीत के आया हूँ, ऐसा लगता है। अच्छा, बहुत प्रसन्नता। नहीं तो चलिए, आपने इस दिशा में आए, आप हमें तो शुभकामनाएं आपके साथ। जैसा कि आप कैलाश मठ के महामंडलेश्वर हैं, तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मठ क्या होता है, मठ में चीज़ें क्या होती हैं, महामंडलेश्वर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले समझ लीजिए कि मठ क्या होता है। बहुत अच्छा पूछा आपने ओम जी। मठस् छात्राणाम निलयः, मठ वह है जहाँ छात्रों को शिक्षा मिले, शिक्षा का केंद्र है ये। आपको बता दें, जब गुरुकुल पद्धति को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया, यहाँ पर सख्त कानून बना के गुरुकुल बंद करवा दिया, जी जी जी, तब हमारा सारा अध्यात्म विज्ञान तो ठप हो गया, लेकिन मठ बंद नहीं हुआ था जी। सारा गुरुकुल मठ में शिफ्ट हो गया और मठ में अंदरूनी शिक्षा चलती रही। जब मुगल का काल था तब भी भारत के मठों में शंखनाद होता था, अध्यात्म ज्ञान का जागरण वहाँ होता रहता था, बच्चे पढ़ते रहते थे, तभी आज भी शास्त्र और सनातन धर्म जीवंत है, वरना हम मिट गए होते। तो मठों से ही हमारा अध्यात्म जीवंत होता है। मठ समस्त हिंदू समुदाय का है, जो सनातन धर्म विश्वास करता है, चाहे हिंदू हो, जैन हो, ईसा हो, ईसाई हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे सनातन धर्म को मानते हैं तो मठ आपका अभिनंदन करता है। अच्छा, तो इस मठ में जैसा कि आपने बताया कि गुरुकुल भी है, तो बच्चों को मतलब कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसमें? यह वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद उपनिषद है, और इसमें सांख्य है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, दर्शन शास्त्र है, वेदांत है, न्याय शास्त्र है, और जो है वेद वेद के अंग ज्योतिष ये भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो ये तो प्रमुख है अपना जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जो आपका एक संगठन है, आपने एक संगठन का भी निर्माण किया है, अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ जी। तो ये संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, बाकी संगठनों से किस प्रकार से अलग है, मतलब समाज में किस तरह से आपका ये संगठन योगदान करने वाला है, इसके बारे में बताइए, और क्यों आपके संगठन से लोग जुड़े? हाँ, सबसे अच्छी बात आपने पूछी ओम जी कि इस संगठन की क्या आवश्यकता पड़ गई। यही शुरुआत यहीं से करते हैं। संगठन तो बहुत है, हजारों संगठन है अपने देश में, संगठन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं होता तो भी चलता, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं हो रहा था। जैसे अपना संगठन का प्रमुख उद्देश्य है कि समीकरण, राष्ट्रीय समीकरण, समभाव। हम जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसमें सभी आते हैं, बिल्कुल, जो जो हमारे जो है ईश्वर को मानने वाले हैं वो सभी का लिए समान है आश्रम यह। तो उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जो भी हो, कोई भी मनुष्य मात्र का परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है। ईश्वर ने तो कभी भेद नहीं किया, इसलिए हम ये चाहते हैं। अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ का उद्देश्य है कि ऐसा राष्ट्र बने, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र तो पहले से है लेकिन उसको अभिनव किया जा रहा है। अभिनव मतलब जो 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 आवश्यकता है उसको रखा जा रहा है। आवश्यकता है सबको साथ में खड़े होने की, हम साथ में खड़े होने का प्रक्रम चला रहे हैं। सारे लोग एक पंगत में खाना खाएं, एक ही एक पंक्ति में बैठकर पूजा करें, पंगत और पूजा को एक साथ लाने के लिए अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ खड़ा हुआ है। एक तो ये उद्देश्य है जी। समाज को स्वस्थ करना है। समाज में जितने बेरोजगार हैं, जब तक एक भी बेरोजगार बैठा है तब तक अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ शांति से नहीं बैठ सकता, वह खड़ा रहेगा, हमेशा सतत प्रयास करेगा कि हमारा देश का हर युवा जो है अपना कार्यरत हो, उसको कुछ ना कुछ वृत्ति मिले, रोजगार मिले, तो यह उद्देश्य है, और समाज स्वस्थ हो यह उद्देश्य है जी। तो अभी जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि आपके संगठन के द्वारा कोरोना काल में आपके संगठन ने काफ़ी कार्य भी किए, जिसकी प्रशंसा स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की, उन्होंने एक पत्र लिखकर प्रशंसा की है। तो कोरोना काल में आपने आपके संगठन ने किस प्रकार से काम किए, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
आदरणीय प्रधानमंत्री ने, हमने कभी ये संदेश भी नहीं किसी को भेजा, हम तो सेवा में लगे रहे, लेकिन उनको मानना पड़ेगा, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कि उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातें की, अच्छा, और फिर एक बाकायदा लेटर बना करके उन्होंने जो भेजा प्रशस्ति पत्र, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनको करना ये उनके लिए शोभा देता है, क्योंकि हम लोग कार्य कर रहे हैं और वो हमारा मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, वास्तव में ये उनके लायक ही है, तो हम लोग तो ऐसे ही करते ही रहेंगे, ये अपना उद्देश्य है। लगभग 1.5 लाख लोगों तक अपनी सेवा पहुंची थी प्रथम लॉकडाउन में, जो फर्स्ट अटैम्प्ट आया था कोरोना का, उस समय में मजदूर लोग दूर दूर से पैदल चले आ रहे थे, और हमारे संगठन के लोग सड़क पर खड़े होकर के उनकी सेवा कर रहे थे, उन्हें पानी पिला रहे थे, उन्हें भोजन दे रहे थे, और छाया की व्यवस्था की, और ऐसे ही स्टेशन में जाकर सेवा हुई, बस अड्डे पर जाकर सेवा हुई, आश्रम में भंडारा सतत चलता रहा, और जो है फिर इतना ही पर हम रुके नहीं, हर थाना में हमारा एक नंबर हमने वहाँ पर इशू किया था, आपको आश्चर्य होगा सुन करके, वो नंबर ऐसा वायरल हुआ, लोग समझते कि ये जो है वो होता ना हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन नंबर है, ऐसा यूज करने लगे लोग उसका, और हर थाने में अपने जो है पैकेट अपना पहुंचता था, 100 पैकेट 200 पैकेट हर थाने में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी पूरे वाराणसी में, और थाने के माध्यम से थाने की गाड़ी आती थी हर थाने से, और जो पुलिस बल है उनकी भी प्रशंसा हम करते हैं, वो जगह जगह वहीं से वितरण करते थे, क्योंकि कोरोना काल था, हम लोगों को बचना भी था, मित्रों को भी बचना था, सेवा भी करनी है और सावधानी भी रखनी है, लेकिन सेवा की प्राथमिकता रही है। बिल्कुल जी जी, आपने अपने जब संगठन की बात कर रहे थे तो आपने बोला अभिनव, यानी एक नए समाज का निर्माण करना है, और अभिनव का मतलब नया नहीं होता है, पुनः है पहले से, लेकिन उसको नव निर्माण अभिनव कहते हैं, नए सिरे से, मतलब उसको क्या कहते हैं, जैसे मकान बना हुआ है, उसका आप रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करना, तो हमारा राष्ट्र तो बहुत पहले से बना हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अभिनव कर रहे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो क्या है, एक स्मरण, तो हम जो है अभिनव क्यों है, क्योंकि इसमें जो कुछ दोष है उसको हम हटाना चाहते हैं। हाँ, इसी दोष के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि आपके संगठन का उद्देश्य है कि सबको समान दृष्टि से देखना, जी, जी, एक पंगत में खाना, हाँ, एक पंगत में सबको लेकर चलना, जी, पंगत और पूजा, हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में एक जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या के रहते हुए कैसे इसको आप दूर कर पाएंगे? ओम जी, समस्या जातिगत समस्या थी, अभी नाम मात्र की रह गई है, धीरे धीरे लोग इससे ऊपर उठ रहे हैं, सर्व समाज एकत्रित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है, जो हमारा उद्देश्य है उस तरफ समाज आ रहे हैं, जिसको भी पता चल रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ सही बात है, सबका अधिकार है, हर मानव का अधिकार है, वो भी हमारा शास्त्र से, वो शास्त्र वो भी पढ़ें। एक और जो हमारा उद्देश्य था, मैं कह नहीं पाया, उस ये मेन उद्देश्य हमारा एक और है, वो है ग्रंथों का प्रकाशन, जिस ग्रंथों में कुछ मिलावट है, हम सब स्वीकार करें कि यार ये जो है ये सही नहीं लग रहा, ये कहीं ना कहीं मुगल काल में मिलाया हुआ है, बिल्कुल, मुगल जब शासन यहाँ करने लगा, ब्रिटिश ने भी शासन किया, तो ब्रिटिश ने उतना नुकसान नहीं किया जितना मुगल ने किया, बिल्कुल, मुगलों ने हमारे शास्त्र को ही भ्रष्ट करने का प्रयास किया, पैसा दे करके किसी को खरीद लिया विद्वान को, उससे श्लोक बनवा कर हमारे मनुस्मृति में डाला गया, आज मनुस्मृति जो विवादास्पद हो गया है, दलितों को अलग किया जा रहा है मनुस्मृति के आधार पर, यह हमारा नहीं है, मनुस्मृति में मात्र 1100 श्लोक है जी, लेकिन उपलब्ध है 1400 श्लोक जी, जी, आप कल्पना करिए 300 श्लोक उसमें डाला गया है, वो श्लोक आपको मैं दिखा सकता हूं और समझा सकता हूं, आप समझ लेंगे, यस ये श्लोक मनुस्मृति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके विचार से टेली नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैंने भी जहां तक मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, हाँ, मनुस्मृति की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है जी, उसको जलाया भी जाता है, हाँ, और यहां तक कहा जाता है कि शूद्रों को शास्त्र वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, तो क्या सच में ऐसा था? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ डाला गया मुगल काल में, ये मुगलों के काल में डाला गया है इस चीज़ को, और अब हम ये कहते हैं कि हम नए सिरे से जो प्रकाशन किए हैं उसको पढ़िए और उसको पहले वाले को जलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे शास्त्रों को रखने से कोई फायदा नहीं, जो मिलावटी है, जो मिलावटी है
मिलावटी के सामान को आप रखेंगे क्या? मत रखिए, ऐसे चीज़ को जला दीजिए, मिटा दीजिए, और विशुद्ध जो प्रकाशन है उसको आप देखिए। वाल्मीकि रामायण में मिलावट है जो आज सब विद्वान स्वीकार कर रहे हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कुछ दिन में वाल्मीकि रामायण नए सिरे से आपके सामने रहेगा, जो जो जहाँ जहाँ गड़बड़ है अन्य शास्त्रों से उसको मिलान करके व्यवस्थित रख रखा जाएगा, जो सही नहीं है। आप बताइए, वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें एक प्रसंग है कि राम जी ने एक शूद्र को मारा था, शंभुक नाम था, शंभुक नाम के शूद्र जो तपस्या भजन कर रहा था उसको मारा। क्या राम ऐसा कर सकते हैं? मतलब उनके चरित्र को देखा है तो लगता तो नहीं लगता है, कभी लगता है? अरे जिस राम ने माता शबरी, शबर कुल की शबरी को माँ का दर्जा दिया, बिल्कुल उसके झूठे बैर को अमृत के तुल्य स्वाद बना बना कर पाया, न केवल पाया प्रशंसा किया, गुरु गृह प्रिय सदन सासु ससुराई जहाँ जहाँ भई प्रभु की पहुनाई, गुरु गुरुदेव वशिष्ठ की माता पत्नी जो है अरुंधति ने, जब अयोध्या में जो है राम राज्य हो गया, माता अरुंधति निमंत्रण देती है कि राघव आओ एक दिन मेरे हाथ का प्रसाद पाओ। माता अरुंधति ने बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया और राम जी को खिलाने के लिए बैठी, चारों भाई खा रहे थे, सब खा रहे थे, और सामने बैठ गई। बेटा राम मैं पूछूं कि तुम्हें भोजन कैसा लग रहा है? कहा कि माँ आपके हाथ, गुरु माता आपके हाथ का भोजन तो अमृत है, प्रसाद है, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। माँ यदि बोलना आवश्यक है तो मैं आपको ये बोलूँगा, सब कुछ अच्छा है लेकिन वो स्वाद नहीं है जो माता शबरी के बैर में था। माता कौशल्या के भोजन में भी ऐसा कहा। रानी सुनैना जनकपुर में ससुराल जब अयोध्या में राजा बनने के बाद गए, सुनैना ने भोजन बनाया और वहाँ भी शबरी माता की प्रशंसा। आपको क्या बताएं, जो राम शबरी को माँ का दर्जा देता है, जो राम वो निषाद को मित्र का दर्जा देता है, केवट को मित्र का दर्जा देता है, कलेजे से लगाता है, क्या वो राम कभी शंभुक को मारेगा? ये असंभव था, ये उसमें मिलावट किया गया। वहाँ वशिष्ठ मुनि को बदनाम किया गया है, जो वशिष्ठ मुनि भरत जिसे कहते हैं, भरत ये जो गोहनिषाद है ये राम जी के मित्र हैं, इनसे मिलो, पहले बताते हैं, आए ओ ओ पैर छूना चाहते हैं गोहनिषाद का, नहीं 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 गले मिलो, तुम राम के मित्र हो। कहाँ जातिगत भेद था पहले? न त्रेता में था, न द्वापर में था। द्वापर त्रेता की कथा को लिखा गया है जी जी मुगल के काल में, और सारे पुराणों में भी डाल डाल करके सबको बर्बाद करके रखा है। तो आपका कहना है कि ये जो शंभुक वाला प्रकरण है जी, ये मुगल काल में मिलावट किया गया है पूरी तरह से, आज विद्वान सब स्वीकार करते हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हिंदू समाज में विद्रोह करना, हिंदू समाज को तोड़ना, एक ब्राह्मण वर्ग को अन्य सारे वर्गों से अलग कर देना, ये उसका उद्देश्य था, और वो लगभग कामयाब भी हुए। आज भारत में जो इस्लाम का विस्तार हुआ, आपको बता दें, उसी षड्यंत्र का परिणाम था। ब्राह्मणों को सबसे अलग कर दिया, तोड़ दिया, उनको लगा कि सबसे बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण है, इसको कैसे तोड़ा जाए, अन्यों से तोड़ा। तुम यदि वेद सुनोगे तो तुम्हारे कान में रांगा डाल दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, उसको उकसाया गया, दूसरे निम्न वर्गों को उकसाया गया, और ब्राह्मणों से कहा देखो वो शूद्र गया मंदिर में उसको मारो, जैसे आज हो रहा है, कुछ लोग टोपी पे लाभ भगवा पहन करके शामिल हो जा रहे हैं सनातन में, और जो है आज तमाम तरह के लोग क्या कर रहे हैं, 20 आईडी बनाएंगे, कोई ब्राह्मण के नाम से आईडी बनाया हुआ है, कोई दलित के नाम से आईडी बनाया हुआ है, कोई मुसलमान से बनाया हुआ है, और एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया में चल रहा है, एक आदमी 1000 आईडी बनाया हुआ है और अलग अलग नाम से, खुद ही ब्राह्मण बना हुआ है, खुद ही कांग्रेसी बना हुआ है, खुद ही बीजेपी भाजपा बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को वहाँ खड़ा किया और वहाँ विद्रोह करवाया, एक दलित को मरवा दिया, सरेआम मरवाया, और जब देखा उधर दलितों को पहले से तैयार कर रखा था, तुम वेद पढ़ोगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम मारे जाओगे, किस काम का तुम्हारा, हिंदू धर्म है, देखो मार दिया ना, सारे दलित समुदाय को इकट्ठा किया, आओ इस्लाम स्वीकार कर लो, हम तुम्हें एक साथ नमाज पढ़ने देंगे, हम तुम्हें एक साथ भोजन कराएंगे। बिल्कुल ऐसे लोगों को सराहना बटोर बटोर के मुसलमान बनाया गया। ऐसे भारत में एक भी इस्लामिक नहीं थे, बाबर के पहले कोई इस्लाम का इतिहास है भारत में? कोई नहीं है।
यहाँ जो है इस्लाम सारे बनाए गए, वो सारे हिंदू हैं। आज समय आया है बंधुओं जागने का, आज समय आया है उन सबको संशोधन करने का। हम जो उनके कचड़े को क्यों रखे अपने शास्त्र में, बिल्कुल उन्होंने जब हमको पता है कि ये चीज़ हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। आपको बताऊं मनु का सिद्धांत क्या है। मनु कहता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जी, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, सभी कोई जब जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। आदमी का दो बार जन्म होता है, एक बार गर्भ से और एक बार संस्कार से। तो जिसका संस्कार भी हो गया तो वो द्विज बन गया, जिसका संस्कार नहीं हुआ वो शूद्र रह गया। ये वो कहता है, वो ये कहते हैं कि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और शास्त्र प्रमाण है। भागवत जी में आप देखेंगे कि ऋषभ देव के 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, हो गए ना। और भी उदाहरण देता हूँ आपको, कैसे कितने जो है परिवर्तन किया किन्होंने, वो क्षत्रिय भी हो गए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसी बात से मुझे याद आया, अगर ये बताइए कि आज के समय में अगर कोई पुराण कर्मकांड वगैरह शिक्षा दीक्षा ले लेता है तो क्या वो ब्राह्मण पुजारी बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं, वो सब कुछ कर सकता। हमारे यहाँ कर्म को स्वीकार करने में सभी स्वतंत्र हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो ईश्वर ने अधिकार दिया है, आप कर्म कोई भी स्वीकार कर सकते हैं आप योग्यता से। आम बताएं ब्राह्मण है और प्रशिक्षित नहीं है तो क्या उसका आदर होता है समाज में? नहीं, बिल्कुल। क्या ब्राह्मण को अपने घर में ही पूजा कराना हो तो किसको बुलाएंगे? जो प्रशिक्षित हो, जिनको मंत्र का उच्चारण सही आता है, है ना, परंपरा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, कॉन्फिडेंस से बता सकता है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो हर व्यक्ति प्रशिक्षित को पसंद करते हैं, आप प्रशिक्षित को नहीं। तो कोई व्यक्ति प्रशिक्षित होकर के यदि करना चाहता है तो करे, इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक सवाल था जो मेरे दर्शक मुझसे बहुत बार पूछते हैं। एक्चुअली हमारे दर्शक पे यादव समाज के बहुत सारे लोग हैं, तो वो ऐसा पूछते हैं कि यादवों का वर्ण क्या है। तो आपने वेद पुराण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है तो उसमें यादवों का वर्ण क्या है? यादव क्षत्रिय में आते हैं, यदुवंश कहाँ से हुआ? यदु महाराज, यदु कौन थे? क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी हैं ये। आपसे पूछे हमारा वंश क्या, बोला चंद्रवंश। दो वंश प्रधान हुए हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो यदुवंश जो है वो चंद्रवंश में आता है। इसी वंश में जो है सम्राट भरत हुए, सम्राट जो दुष्यंत हुए, है कि नहीं, और उसके बाद जो है कौरव पांडव सब यदुवंश में आते हैं। लेकिन सामान्यतः माना नहीं जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे यादवों को क्षत्रिय? क्योंकि कर्म अलग अलग हो गया, थोड़ा डिवीजन हो गया। क्षत्रिय केवल उसको कहा जाने लगा जो लोग राज व्यवस्था में आए, लेकिन यदुवंश के कुछ भाग ऐसे हो गए जिन्होंने गौ पालन, यह है अपना पशुपालन, इनको अपना जो है प्राधान्य दिया, जो है समाज सेवा में और रक्षा वर्ग में वो नहीं गए। तो ठीक है, नहीं गए तो क्या उसकी जाति खत्म हो जाएगी? ऐसा वर्ण तो वही रहेगा, वर्ण तो वही रहेगा। तो यदुवंश जो है पूर्णतः क्षत्रिय है, आप निश्चिंत रहें। और सबसे अच्छी बात है, ये सब तो मैं चाहता हूँ कि देश से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, सही बात, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं, सनातनी है, सनातनी है, सनातन सब। तो गुरुजी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, लगभग सभी विषय पर हमने बात कर ही ली है जी। तो मैं चाहूँगा कि एक आखिरी बार आप अपने संगठन से संबंधित, आपके संगठन में लोग क्यों जुड़े, इसके बारे में दो तीन शब्द बोलिए, फिर इसको खत्म करते हैं। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ हो, यदि आप चाहते हैं कि कुछ दोष है उसका निराकरण हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि हम सभी एक हो जाएं, तो अभिनव राष्ट्र निर्माण आपका स्वागत करता है, संघ आपका है, संगठन आपका है। आप एक एक कदम बढ़ाइए, आप जहाँ हैं वहाँ भी आप निर्माण कर ही रहे हैं। आज आप स्वस्थ होकर के, पूर्ण विश्वस्त होकर के आप समाज का निर्माण करिए, आपका पूर्ण अभिनंदन है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के ऊपर अपना समय देने के लिए। सभी को प्रणाम। तो दोस्तों, ये थे स्वामी जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।